हेलो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए क्लास टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट सॉल्व कर रहे हैं इसे बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा आपके एग्जाम के लिए तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ट्वेल्व फिफ्टीन एंड ट्वेंटी वन बाय फैक्टराइजेशन मैथड तो देखिए तो फैक्टराइजेशन मैथड में हम फैक्टर करते हैं देखिए तो सॉल्यूशन फर्स्ट नंबर है ट्वेल्व तो अब ट्वेल्व के फैक्टर होंगे टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू वन हम ले सकते हैं होता ही ये सब में फिफ्टीन थ्री इंटू फाइव इंटू वन ट्वेंटी वन थ्री इंटू सेवन इंटू वन तो ऐसी है मीनस कॉमन फैक्टर देखिए थ्री थ्री एंड थ्री तीनों में थ्री कॉमन आ रहा है तो एच सी एफ हो जाएगा थ्री अब हम एल सी एम निकालेंगे कॉमन फैक्टर तो वन टाइम लिखेंगे जो थ्री कॉमन फैक्टर है एच सी एफ और अब यहां रिमेनिंग पार्ट देखो फर्स्ट टू इंटू टू कॉमन आ रहा है ये नहीं मिल रहा था कॉमन यहां फाइव फाइव और थर्ड में आ रहा है सेवन इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा फोर ट्वेंटी तो ये इसका क्वेश्चन था एल सी एफ थ्री एंड एल सी एम फोर ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ सेकंड देखिए फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर तो ये वन फोर्टी है इसके प्राइम फैक्टर्स हमें करना है तो देखो डायरेक्ट हम लिख दें या हम या सॉल्व करके सो भी कर सकते हैं वन फोर्टी है ये देखिए सबसे पहले टू से प्राइम नंबर टू होता है इसे डिवाइड किया इसके बाद जब फाइव से हो रहा है सॉरी तो टू से एक बार और होगा अभी तो थर्टी फाइव फाइव सेवन या थर्टी फाइव सेवन बन जा सेवन तो ये प्राइम फैक्टर्स के हो गए देखिए क्या क्या होगा ये वन फोर्टी हो गए टू इंटू टू फाइव इंटू सेवन अब सेम टू टू टाइम्स है तो टू की पावर टू फाइव की पावर वन सेवन की पावर वन हमें इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एच सी एफ गिवन है एच सी एफ ऑफ थ्री जीरो सिक्स एंड सिक्स फिफ्टी सेवन इक्वल टू नाइन एंड एल सी एम फाइंड करना है हमें एल सी एम का फाइंड करना है तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है एल सी एम इन टू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो देखिए यहाँ अब एच सी एफ तो हमें मालूम नहीं एल सी एफ हमें मालूम करना है नाइन प्रोडक्ट में आ जाएगा नंबर्स हैं थ्री जीरो सिक्स इंटू सिक्स फिफ्टी सेवन तो एल सी एम इक्वल टू थ्री ज़ीरो सिक्स इंटू सिक्स फिफ्टी सेवन डिवाइडेड बाई नाइन नाइन से डिवाइड कीजिए नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन नाइन फोर या थर्टी सिक्स अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये नाइन था ये कैंसिल किया हमने अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टू टू थ्री थ्री एट थ्री थ्री एट ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी एट तो ये इसका एलसीएम आ गया एलसीएम हो गया इसका टू टू थ्री थ्री एट ये अपना क्वेश्चन यहां कंप्लीट हुआ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं देखिए फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल यहां गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का एट अब आप इसमें देखेंगे तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करें तो एट आ जाए प्लस या माइनस करने पे टू आ जाए फोर टू या एट और फोर माइनस टू टू होता है तो फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस एट एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स और प्लस के हो जाएंगे टू एक्स माइनस एट एक्स कॉमन आएगा फर्स्ट पेयर में तो यहाँ हो जाएगा x माइनस फोर टू कॉमन आएगा x माइनस फोर x माइनस फोर एक ब्रैकेट में और x प्लस टू अदर ब्रैकेट ये फैक्टर्स किसके हो गए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट के अब हमें जीरोज फाइंड करना है तो इन फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो लिख देंगे एक्स इक्वल टू फोर एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू ये जीरो जाएगा जीरोज जीरो जी मींस वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ये वेरिएबल की वैल्यू हैं अगर इसमें हम इसको इन वैल्यूज को पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा इसलिए इसका नाम जीरो जीरोज जी बोलते हैं अब हम इसको आगे भी कर सकते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव याद दिया है फाइंड द पॉलिनोमियल पॉलिनोम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर के वन ये जीरोज नहीं है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये गिवन है तो सॉल्यूशन देखिए लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर अल्फा एंड बीटा तो बी आर गिवन सम ऑफ जीरोज सम मिस प्लस इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए मैंने कॉपी सेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉपी सेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये फर्स्ट वैल्यू है वन अपॉन फोर माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है अल्फा इंटू बीटा बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा है वन अपॉन फोर यहाँ देखिए दोनों के डोनोमीटर में ए है सेम है तो एल एच एस में भी फोर फोर सेम है तो डायरेक्ट कंपेयर करेंगे यहाँ ए की वैल्यू फोर दोनों जगह हो जाएगी सॉरी यहाँ माइनस के वन अपॉन फोर है सम में तो देखो ए की वैल्यू फोर ए की वैल्यू फोर डेनोमीटर सेम है तो ए की वैल्यू फोर आ गई एंड माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो बी की वैल्यू बन एंड सी की वैल्यू बन देयर फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें हम ए बी सी की वैल्यू रख देंगे ए की वैल्यू फोर ए की वैल्यू फोर बी की वैल्यू वन एक्स सी की वैल्यू वन सी की वैल्यू वन है ये आ गई तो ये इसका पर्टिकुलर है अगर इसे जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे एंड जनरल फॉर्म जनरल पॉलियोमिया निकालेंगे तो यहां के इन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आप यहाँ तक भी छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है देखिए फिर दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट उसी टाइप का लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और अल्फा एंड बीटा देयर फॉर पहला सम ऑफ जीरोज सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बी प्लस बीटा माइनस रूट थ्री है रूट थ्री अपॉन बन ले लीजिए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा टू बीटा सी अपॉन ए इसकी वैल्यू है थ्री अपॉन टू यहाँ देखिए फर्स्ट में डिनोमीटर वन है और सेकंड में टू है तो दोनों सेम होना चाहिए तो देखो यहाँ बड़ा सेकंड में टू है या वन है तो इस वन को टू बनाएंगे छोटे को बड़े बनाना है इक्वल बनाना है तो टू का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो ऊपर तो हो गया न्यूमिरेटर हो गया टू रूट थ्री अपॉन टू माइनस बी अपॉन ए ऑन कंपेयरिंग विथ ऑन कंपेयरिंग यहाँ देखिए ए की वैल्यू टू दोनों में टू है बी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ये ट्रांसफर हो जाएगा तो बी हो जाएगा माइनस के टू रूट थ्री और सी है थ्री अपने पास ए बी सी आ गया दे आर फॉर क्वारिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें ए बी सी की वैल्यू रख देंगे हम ए की वैल्यू है टू बी की वैल्यू माइनस आएगा तो माइनस टू रूट थ्री है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा सी की वैल्यू थ्री ये अपना सिक्स नंबर क्वेश्चन इसमें हो गया अपना अब हम नेक्स्ट में बढ़ेंगे हम आगे सॉल्यूशन देखो तो ये अपने पास दिया है ये पॉलिनोमियल है इसके जीरोज जी फाइंड करना है ओनली टू टर्म्स हैं तो हमें मालूम होना चाहिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा फिफ्टीन को स्क्वायर रूट फॉर्म लिख सकते हैं सिक्सटीन होता तो फोर का स्क्वायर लिख देते तो हम इस टाइप से लिखेंगे अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी ये फॉर्मूला लग गया देखो तो लगाइए एक में हो जाएगा टी प्लस रूट फिफ्टीन दूसरे में हो जाएगा टी माइनस रूट फिफ्टीन जीरोज तो फर्स्ट ब्रैकेट है टी प्लस रूट फिफ्टीन इसको जीरो ले लेंगे सेकंड है इसे जीरो लेंगे तो टी की टू वैल्यू जाएगी एक तो माइनस के रूट फिफ्टीन दूसरा प्लस के रूट फिफ्टीन तो जीरोज को हम नाम देते हैं अल्फा बीटा तो अल्फा रूट फिफ्टीन है माइनस के और बीटा है रूट फिफ्टीन है प्लस के देखिए इसके बाद क्वेश्चन नहीं हो गया अगर आप रिलेशन पूछते इससे आगे तो हम क्या करते देखिए रिलेशन भी आपके कोर्स में है पूछा जाता है कभी कभी अगर रिलेशन पूछेंगे तो हम रिलेशन भी आगे बताएंगे कैसे बताएंगे देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड ओपीसी फर्स्ट रिलेशन होता है सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए ये दोनों इक्वल आना चाहिए अब यहां पे देखिए क्वेश्चन ये दिया है क्वेश्चन था अपने पास टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन तो इसको मैं ऐसा लिख सकते थे टी वाला टर्म नहीं है तो जीरो टी देखिए तो ए की वैल्यू हो जाएगी वन बी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस फिफ्टीन तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा है माइनस के रूट फिफ्टीन बीटा है फिफ्टीन इक्वल टू माइनस बी तो ये देखो ये कैंसिल हो गया इससे जीरो इक्वल टू जीरो वेरीफाइड हो गया दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जी। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए माइनस के रूट फिफ्टीन मल्टीप्लाई प्लस के रूट फिफ्टीन सी है माइनस के फिफ्टीन अपॉन वन रूट कैंसिल हो गया तो माइनस फिफ्टीन इक्वल टू माइनस फिफ्टीन देखिए वेरीफाइड देर फॉर रिलेशन बेरीफाइड रिलेशन बेरीफाइड अब क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम देखिए द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज ट्वेंटी सिक्स तो टू नंबर्स की बात कर रहे हैं जी क्वेश्चन थर्ड में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स तो ये सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन में हम टू नंबर्स की बात कर रहे हैं तो लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई दो हैं डिफरेंस तो है तो मान लीजिए बड़ा नंबर एक्स लिया हमने तो एक्स माइनस बाई इक्वल टू तो ट्वेंटी सिक्स डिफरेंस हो गया एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर मान लीजिए बड़ा नंबर एक्स लिया हमने तो छोटा नंबर बाई थ्री टाइम्स ये थ्री टाइम्स है बड़ा नंबर तो इक्वल बनाने के लिए स्मॉलर में थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे अब मेथड लिखा हुआ नहीं यहाँ तो किसी भी मेथड से यहाँ इसमें मेथड लिखा हुआ आएगा ही नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में अब सेकेंड क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू थ्री वाई है फर्स्ट में रख देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो एक्स के प्लेस में यहाँ थ्री वाई आ जाएगा तो थ्री बाय एक माइनस बाय एकवल टू ट्वेंटी सिक्स टू टू ट्वेंटी सिक्स तो बाई इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स अपॉन टू तो बाई की वैल्यू आ गई थर्टीन पुटिंग बाई इक्वल टू थर्टीन इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं तो सेकेंड है एक्स इक्वल टू थ्री बाय एक्स इक्वल टू थ्री इंटू थर्टीन तो एक्स की वैल्यू होगी ट्वेंटी थर्टी नाइन देर फोर नंबर आर थर्टी नाइन एंड थर्टीन क्वेश्चन अपना हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे यहां पे भी टू एंगल्स हैं लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 न सप्लीमेंट्री एंगल्स तो क्वेश्चन थर्ड चैप्टर लेट ग्रेटर या बिगर ग्रेटर एंगल एक्स डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बाय डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत एंगल सप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंटी मीन्स सम ऑफ दीज एंगल्स इज वन एटी डिग्री एंड बड़ा एंगल छोटे से 18 ज्यादा है तो x माइनस बाई इक्वल टू एट्टीन माना डिफरेंस हो गया 18। सॉल्व इक्वेशन वन एंड टू एक्स प्लस बाई इक्वल टू वन एट्टी एक एक्स माइनस बाई इक्वल टू एटीन यहाँ देखिए एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं हम देखिए बाई से बाई कैंसिल हो गया साइन चेंज हमें करना नहीं पड़े तो ऑन एडिंग लिख जाएगा टू एक्स इक्वल टू वन नाइन्टी एट तो एक्स इक्वल टू नाइनटी नाइन आ गया पुटिंग

तो बाय इक्वल टू हो जाएगा बन बाय इक्वल टू हो गया बन देखिए तो टेन माइनस नाइन बन फिर सेवेंटीन माइनस एट्टी वन हो गया भाई ये तो एंगल्स आर एंगल्स हमें हमने निकाल लिए हैं डिग्री एंड 81 डिग्री ये दो एंगल हमने फाइंड कर लिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन जो पोलियोम अब इक्वेशन है यहाँ पे हो जाएगा सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो ये सबको मालूम है फाइव टू जै ट फाइव माइनस टू थ्री आता है माइनस टेन लिखा है पहले से ही देखिए माइनस टेन इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स साइन चेंज होगा ब्रैकेट का एक्स की वैल्यू आ गई एक्स कॉमन आ गया फर्स्ट पेयर में से प्लस सेकंड पेयर में से टू कॉमन एक्स माइनस टू एक ब्रैकेट में सॉरी एक्स प्लस टू और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो यहाँ और भी लिख सकते हैं और तो जीरो इसके रूट्स आ गए माइनस टू एंड फाइव ये आंसर इसका आ गया